तो गाइस आप लोगों ने अक्सर देखा होगा किसी मूवी पोस्टर का, जब पोस्टर लॉन्च होता है बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो या फिर किसी स्पोर्ट्स बैनर हो, तो उसमें क्या होता है उसका जो स्किन का जो एडिट करते हैं वो बहुत ही डिफरेंट होता है। हमको देखने बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि मतलब क्लियरिटी भी है, स्मूथनेस भी है, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा लगता है। वही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि उस टाइप के स्किन कैसे एडिट करें, और अगर आपने स्किन एडिट कर लिया उस टाइप की चीज़ें बना ली तो उसको स्पोर्ट्स बैनर में कैसे कन्वर्ट करें, इस टाइप के स्पोर्ट्स बैनर में कैसे कन्वर्ट करें, जो कि देखने में काफ़ी अमेजिंग, काफ़ी क्लीन और काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है देखने में। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ जिसमें हम सारा का सारा वर्क करने वाले हैं। ये वो पिक्चर है विराट कोहली की जिससे हम सारा वर्क करने वाले हैं। और इस टाइप का जब स्किन आप एडिट करते हो तो सबसे ध्यान देने वाली बात यह होती है कि आपका पिक्चर हाई क्वालिटी होनी चाहिए, उसका रेजोल्यूशन बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आपकी डिटेलिंग दिखेगी। अगर आपके पिक्चर का रेजोल्यूशन बहुत कम है तो यार वो कभी डिटेलिंग दिखेगी नहीं। तो आप कितना भी प्लग इन यूज़ कर लो, कुछ भी यूज़ कर लो, मतलब वो लुक कभी आएगा नहीं। तो आपको ध्यान देना है कि पिक्चर की क्वालिटी बहुत है, जितनी अच्छी हो सकती उतनी ज़्यादा अच्छी हो, ठीक है। तो ये वो पिक्चर है, इसको हम सीधा फोटोशॉप में लेके चलते हैं। और ये मैंने इसको फोटोशॉप ओपन विद सिंपली फोटोशॉप कर लिया। इस टाइप के एडिटिंग करने के लिए मैं दो प्लगइन यूज करने वाला हूँ। पहला जो प्लगइन यूज करने वाला हूँ उसके लिए मैं स्किन को डिटेलिंग, स्किन का जो डिटेलिंग है वो लेके आऊंगा। उसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ टोपैज का एडजस्ट प्लगइन आता है, तो मैं सीधा फिल्टर में जा रहा हूँ, टोपैज लैब में गया और टोपैज एडजस्ट मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं। मैं यहाँ पे ऑप्शन यूज करूंगा क्रिस्प, ठीक है। जैसे आपने क्रिस्प किया आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो लुक है काफी डिटेल्ड आ गया। आप देख रहे हो लुक में काफी डिटेलिंग आ रही है। आप डिफरेंट टाइप के भी आप यहाँ पे ऑप्शन यूज कर सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पे क्रिस्प ऑप्शन यूज करना है क्योंकि मुझे डिटेलिंग बहुत ज्यादा चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्रिस्प ऑप्शन यहाँ पे मैंने यूज किया और मैंने इसको ओके कर दिया, ठीक है। अब सेव होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज फोटो क्वालिटी काफी हाई है, तो आपको सेव होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब आप ये देख सकते हो कि स्किन हमारी कुछ इस टाइप से हो गई है, पहले ऐसी थी अब ये इस टाइप की हो गई है, ठीक है। अब हमने डिटेलिंग ले आए, अब हमें लाना है इसका स्मूथनेस। डिटेल के बाद जब स्मूथ करोगे तो वो वही उसी टाइप का लुक तब आएगा, ठीक है। तो पोर्ट्रेचर करके एक प्लगइन आता है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को। तो पोर्ट्रेचर प्लगइन में जाएंगे और पोर्ट्रेचर यहाँ पे अप्लाई किया, और सबसे नॉर्मल वाला जो बाई डिफॉल्ट जो आता है वो मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा स्किन स्मूथ हुआ, थोड़ा हमने नॉर्मल अप्लाई किया था, थोड़ा सा स्किन यहाँ पे स्मूथ हुआ है। आपको इसी इस पोर्ट्रेचर का इसी सेटिंग को बार बार अप्लाई करना है। तो सीधा फिल्टर में गए, जो लेटेस्ट आता है यहाँ पे आ जाता है, मैंने क्लिक किया पोर्ट्रेचर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा और स्मूथ हुआ, अब यहाँ पे देख सकते हो ये पहले ये था अब ये हुआ, सिंपल थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे इंप्रूव हो रही है। फिर से वहाँ पे सेम चीज़ में अप्लाई करूंगा, चार या पाँच बार मैं इस चीज़ों को अप्लाई करूंगा। फिर से गए और फिर से अप्लाई किया। मैं ऐसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कंट्रोल चाहिए कि मुझे कितना स्मूथ करना है, मेरे ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। बाकी जो उसमें सेटिंग है उसमें या तो बहुत ज़्यादा या बहुत कम है या बीच का, लेकिन मुझे यहाँ पे अपने हिसाब से इसको स्मूथ करना है, इसलिए मैं नॉर्मल प्लगइन का जो नॉर्मल मोड है वो बार बार अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे गए पोर्ट्रेचर फिर से किया, आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है। आप देख रहे हो यहाँ पे स्मूथ ऑलरेडी थोड़ी थोड़ी होनी स्टार्ट हो गई है। फिर से पोर्ट्रेचर किया और ये इस टाइप से हो गया, एक बार और मैंने कर दिया तो ये कुछ इस टाइप से अभी हमको कुछ दिख रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसका जो डॉज टूल से मैं इसकी लाइटिंग को थोड़ा इंक्रीज कर दूंगा, जहां जहां लाइटिंग है उस फेस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं। बस आपको लाइटिंग इंक्रीज करनी है कि वो थोड़ी सी लाइटिंग आ जाए इसमें, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लाइटिंग आ गई है, और ये हमने स्मूथ नहीं किया है, हमारे फोटो में डिटेल भी है लेकिन स्मूथ भी है, यही चीज आपको बना के रखना है। बहुत सारे वीडियोस आप इंटरनेट पे देखो जिसमें पूरी स्किन स्मूथ हो जाती है, लेकिन नहीं, हमें स्किन स्मूथ नहीं करनी है, हमें डिटेल भी रखनी है और स्मूथ भी करनी है, तो आपको वो लुक आएगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसका मैं बैकग्राउंड रिमूव करने वाला हूँ, ठीक है। तो गाइज ये वो पिक्चर है, अब मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करके, जैसे मैं इसका बैकग्राउंड बंद करूंगा कुछ इस टाइप से दिख रहा है, सिंपल मैंने पेन टूल से रिमूव किया जैसे मैं रिमूव करता हूँ। तो गाइज आपने देखा मैंने सिर्फ दो प्लगइन यूज किया है और आपको इस टाइप का रिजल्ट अब आपको दिख गया है, जो कि देखने में काफी कूल लग रहा है। आप देख सकते हो जैसा आप लुक ढूंढ रहे थे सेम, समझ लो सेम वही लुक है। अब मैं इसको पोस्टर बनाने वाला हूँ, स्पोर्ट्स पोस्टर में, ठीक है। और इस पिक्चर को मैंने सिंपली यहाँ पे इसको मूव कर दिया, तो सिंपली मैंने इसका बैकग्राउंड को के हिसाब से मैंने इसको यहाँ पे छोटा कर रहा हूँ, यहाँ पे फिट हो जाए।
तो ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे ये फिट हो गया। ठीक है, फर्स्ट इमेज जो है हमने यहाँ पे ऑलरेडी प्लेस कर दिया है और ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे फिट हो गया। अब मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करूँगा, तो सिंपली मैं यहाँ पे डबल क्लिक किया और यहाँ पे आप जा सकते हो सीधा सीधा, आप यहाँ पे एफएक्स पे जाना और ग्रेडियंट ओवरले। ठीक है, ग्रेडियंट ओवरले में जाके आपको दो कलर चूज करने हैं, फर्स्ट ऑरेंज, सेकंड ब्लू। ये ऑलरेडी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा था और ये मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं यही कलर यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। और आप इसको इसका डेंसिटी बढ़ा भी सकते हो, आपको ब्लू ज्यादा चाहिए, ऑरेंज ज्यादा, जैसे आपको माउस को मूव करना है। और आपको पता है यार ग्रेडियंट कैसे यूज करते हैं, तो मैंने इसको इस टाइप से मैंने कुछ यहाँ पे फिट कर दिया और हल्का सा मैंने इसको ब्लू का शेड रखा है और ज़्यादातर मैं इसको ऑरेंज का शेड ही रखूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको ओके कर दिया। अब मैं करने वाला हूँ इस पिक्चर को मास्क करने वाला हूँ, मुझे नीचे से इसको रिमूव करना है। तो रिमूव करने का आपको पता है ये सिंपली यहाँ ये मास्क का जो बटन है, ये आप मास्क के बटन पर क्लिक किया, एड लेयर मास्क ऐड हो गया। और ब्रश के टूल पर जाके ऊपर में आपको ब्लैक सेलेक्ट करना है, आपको पता है ऊपर में अगर ब्लैक सेलेक्ट होता है तो मिटता है ब्रश टूल में, और ऊपर में व्हाइट सेलेक्ट होता है तो वापस आ जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे भी मिटाना है, नीचे से थोड़ा थोड़ा पार्ट यहाँ मिटाना है। तो सिंपली मैंने यहाँ ब्लैक सेलेक्ट किया और ब्रश का साइज छोटा किया और मैंने यहाँ से इसको मिटा दिया। सिंपली आपको क्लिक करना है और वो मिटता जाएगा। इस टाइप से हमने इसको मिटा दिया, सिंपल। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे यहाँ पे स्केल कर देता हूँ कि देखने में सही लगे। ठीक है, यहां तक तो हमने इस टूल से इसको मिटा दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो जो एजेज हैं उसको मैं डिफरेंट स्टाइल से इसको रिमूव करने वाला हूँ। तो ब्रश पे गया और यहाँ पे मैं ब्रश, डिफरेंट ब्रश यहाँ पे मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ। और ये ब्रश अब आप लोगों के पास ऑलरेडी है तो आप उसको वहाँ से रिमूव कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आया और सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा थोड़ा वापस ले आता हूँ तो ऐसा लगेगा कि वो उस तरीके से रिमूव हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे ऐसे इस टाइप से रिमूव करें, मुझे स्मूथ नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा थोड़ा इस टाइप से लुक में इसको रिमूव करना था। तो मैंने इसको ऐसे यहाँ पे सिंपली मैंने डिफरेंट ब्रश सेलेक्ट कर लिया तो ये इस टाइप से ये रिमूव हो गया। ऑलराइट, अब मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। सेकेंड इमेज मैं अपने ही एक क्रिएटिव में से ले रहा हूँ, इस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ और उसी PHG में से मैं एक PNG यहाँ पे इम्पोर्ट कर रहा हूँ सिंपली। और ये कुछ इस टाइप से ये आपका कुछ दिख रहा है तो मैं इसको सिंपली यहाँ पे इसको प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, ऑलराइट, ये बहुत सिंपल है, आप लोगों को पता है कि जस्ट एक पिक्चर मैंने बैकग्राउंड लिया, उसके बाद एक पिक्चर मैंने यहाँ लिया। और पिक्चर मेन जो इसमें अट्रैक्शन है वो है पिक्चर की डिटेलिंग, आप यहाँ पे डिटेलिंग देख सकते हो, काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। और मैंने दूसरी पिक्चर को यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, सिंपल, मैंने और कुछ नहीं किया, दूसरी पिक्चर को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब क्या करना है, मुझे दिखाना है जिससे जो ग्राउंड है वो क्रैक हो रखा है, मतलब इतना फोर्स दिखाना है कि ऐसा लगे ग्राउंड क्रैक है। तो उसके लिए मेरे पास एक टेक्सचर है, ग्राउंड क्रैक का टेक्सचर है, मैं सिंपली इसको यहाँ पे मूव कर रहा हूँ। ये सारी फाइल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप खुद से भी ये चीज़ें बना सकते हो। और इसका मैंने साइज को छोटा किया। ठीक है, और मैं इसको ले गया नीचे और उसके बाद इसका जो मैं लेयर मोड है वो मैं सिंपली चेंज कर दूंगा, देखता हूँ कहाँ पे अच्छा लग रहा है, जहाँ पे सही लगे मैं वहाँ पे इसको स्टॉप कर दूंगा। तो मुझे यहाँ पे ये सही लग रहा है तो मैंने इसको यहाँ पे इसको स्टॉप कर दिया। आप ये देख सकते हो ऐसा लग रहा है जैसे क्रैक है। ठीक है, मैं इस शेडो को भी थोड़ा ठीक करूँगा और ऐसा लग रहा है जैसे ये क्रैक है। अब इसी का मैं एक कॉपी लूँगा और दूसरे पैर के नीचे इसको ऐड करूँगा और इसका लेयर स्टाइल थोड़ा सा इसे लाइट रखूंगा, आई थिंक ये ठीक है। और मैंने इसको यहाँ पे इसको फिट कर दिया, दोनों पैर के नीचे मैंने इसको ओके। तो कैसे दोनों पैर के नीचे मैंने इसको फिट कर दिया है तो ऐसा लग रहा है जैसे ये पैर के नीचे क्रैक हो रखा है, ऐसे बैकग्राउंड जो ग्राउंड ऐसा लग रहा है जैसे क्रैक है। अब क्या है, मुझे थोड़ा सा और इसको मुझे लग रहा है येलो शेड में लेके जाना है तो मैं इसको थोड़ा सा और इसको येलो शेड में लेके गया तो ये जो इफेक्ट हमने डाला है वो और अच्छे से विजुअल होगा। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का अभी हमें दिख रहा है जो देखने में काफ़ी जैसा जैसा मैं चाह रहा था वैसा ये दिख रहा है। अब मैं एक यहाँ पे एक स्मोक का मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड लेके आऊँगा, मेरे पास ऑलरेडी एक स्मोक का ये इस टाइप के स्मोक का एक पिक्चर है, सिंपली मैं इसको उस लेयर पे ड्रैग करूँगा। ठीक है, अब इसका जो है लेयर थोड़ा सा इसको
छोटा करूंगा और ये इस टाइप से स्मोक का इफेक्ट आना चाहिए, उस टाइप से मैं इसको ड्रैग करूंगा। ये नॉर्मल मोड में आपको ऐसा दिखेगा और मैंने इसको ओवरले मोड पे मैं इसको ले गया हूं, तो ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है। ठीक है, आप इसको देख सकते हो ओवरले मोड में कुछ इस टाइप से दिख रहा है। इसको मैं इसके नीचे लेके जाऊंगा, ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है और देखने में अब आपको वो लुक आना स्टार्ट हो गया होगा। फर्स्ट वाली पिक्चर के जस्ट हमें ऊपर रखना है, नॉर्मल में ऐसा लगेगा आपको फर्स्ट वाली पिक्चर के ऊपर, अब देख सकते हो कुछ नहीं है। जैसे आप इसका लेयर मोड ओवरले पे जाओगे, लास्ट वाली पिक्चर विजुअल हो जाएगी, पीछे वाली पिक्चर, और ये कुछ इस टाइप का इफेक्ट आपको क्रिएट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब मुझे लग रहा है ये एरिया मुझे मिटाना, ये एरिया ज्यादा हो गया था, सेम ब्रश टूल पे गया और इस एरिया को भी मास्किंग के थ्रू मैंने इसको भी मिटा दिया। तो ये एकदम सेटल वे में, यहाँ पे देख रहे हो सेटल वे में सेट हो गया, बहुत ही क्लीन लग रहा है। बहुत सारी पिक्चर है, दो पिक्चर यूज कर, लेकिन क्रिएटिव एकदम क्लीन लग रहा है, आपको ज्यादा चीजें इसमें देखने को नहीं मिल रही है, बहुत क्लीन लग रहा है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने स्मोक वाला बैकग्राउंड यूज किया उसका मैं कॉपी करूंगा, डुप्लीकेट, सीधा मैंने डुप्लीकेट किया और इसको मैं सबसे ऊपर ले गया, इस सबसे ऊपर सबसे टॉप पे इसको ले गया। अब आप देख सकते हो जो क्रैक का इफेक्ट है वो इतना ज्यादा आपको नहीं दिख रहा होगा, तो अब आपको यहाँ पे लेयर मोड चेंज करना है जहां पे आपको क्रैक दिखे अच्छे से। तो हार्ड लाइट पे ये क्रैक ज्यादा अच्छे से दिख रहा है, आप देख सकते हो हार्ड लाइट पे ज्यादा अच्छे से दिख रहा है, और सीधा यहाँ पे इसको मैंने कर दिया हार्ड लाइट। ठीक है, आपको अपने हिसाब से इसको चेंज करना है, जैसा पिक्चर यूज करोगे वैसे वैसे आपको लेयर चेंज करना है कि देखना है कौन से लेयर पे ये क्रैक वाली इफेक्ट ज्यादा अच्छे से दिख रही है। तो पहले मैंने ओवरले किया था, फिर मैंने हार्ड लाइट किया, तो अब ये हमें बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। ठीक है, अब मुझे लग रहा है ये जो बैकग्राउंड, ये जो साइड में जो ब्लैक आ रहा है उसको मैं ठीक कर सकता हूँ, तो इसको पिक्चर को सीधा हम इंक्रीज करूंगा तो ये ठीक हो गया। अब आप इस टाइप से ये इफेक्ट बनता हुआ आप दिख सकते हो, बहुत ही कूल, बहुत ही सिंपल लग रहा है। अब मैं ऐड करूंगा यहाँ पे कलर का लुकअप, ऑलरेडी लुकअप होते हैं, एफएक्स पे राइट क्लिक, सॉरी यहाँ पे जाके आपको राइट क्लिक करना है और कलर लुकअप पे जाना है और यहाँ पे देखना है कौन सा इफेक्ट आपको सही लग रहा है। तो मैं सिंपली एरो की से मैं देख रहा हूँ कौन सा इफेक्ट मुझे सही लग रहा है, ये ज़्यादा रेड है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, देखते हैं कौन सा परफेक्ट लगे, ठीक तो सभी लग रहा है। आई थिंक मुझे ये वाला जो इफेक्ट है वो मुझे सही दिख रहा है, कोडेक 5218 बहुत सही लग रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो इफेक्ट है जैसा मैं चाह रहा था वैसे यहाँ पे इफेक्ट दिख रहा है और ये देखने में काफी ज्यादा कूल भी लग रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सिंपली एक लुकअप ऐड किया है और ये देखने में थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है। अब मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करूंगा, फिर से गया और वहां पे ऐड करूंगा लेवल्स, मुझे डार्क करना है इसको थोड़ा सा और डार्क एरिया को और डार्क करना है, तो मैंने यहाँ पे लेवल एज यूज किया और लाइट को थोड़ा सा लाइट कर दिया, तो ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है। अब ये वैसा फील आपको आना स्टार्ट हो गया होगा जो कि देखने में काफी कूल लगता है। अब मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करूंगा, वहीं सेम उसी ब्रश पे जाऊंगा और मैं यूज करूंगा कलर बैलेंस, सिंपली मुझे कलर को थोड़ा बैलेंस करना है, तो रेड की तरफ मैं उसको और लेके जाऊंगा कि और भी ज्यादा रेड लगे, और मैजेंटा की तरफ इसको थोड़ा सा लेके जाऊंगा और ब्लू की तरफ हल्का सा ब्लू की तरफ लेके जाऊंगा। तो अब ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक रेड वाला लुक ऑलरेडी आ गया। सबसे पहले पिक्चर ऐसी थी जो हमने बनाया था, उसके बाद ये एक ऐड हुआ, उसके बाद ये एक ऐड हुआ और उसके बाद ये इफेक्ट ऐड हुआ, तो ये देखने में आप काफी स्टेप से काफी कूल लग रहा है। अब मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पे एक ब्रश का यूज करने वाला हूँ, सिंपल सा एक ब्रश यूज करूंगा। ब्रश में यूज करूंगा सबसे इस पिक्चर के ठीक नीचे, जो मेन हमारा इमेज है उसके ठीक नीचे मैं यूज करूंगा। तो सिंपली मैंने यहाँ पे एक न्यू लेयर लिया, ब्रश पे गए, इस ब्रश का भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो ब्रश। सबसे लास्ट में मैंने इसको इंस्टॉल किया है, तो ये वो ब्रश है, ये कुछ इस टाइप से ये ब्रश दिख रहा है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे न्यू लेयर लिया और ब्रश का साइज थोड़ा इंक्रीज कर लिया और ब्रश का एंगल थोड़ा सा मैं घुमा देता हूँ, ये अच्छे से फिट हो जाए, और मैंने इसको दो बार क्लिक कर दिया। ठीक है, अब ये ऊपर है तो ठीक हमको इससे नीचे लेके जाना है। तो अब आप ये देख सकते हो यहाँ पे एक इफेक्ट ऑलरेडी दिख गया। अब ये देखने में आपको लग रहा होगा कि काफी कूल टाइप का लग रहा होगा, और जो आपके माइंड में चल रहा था या जो मेरे माइंड में जैसा इफेक्ट चल रहा था सेम टू सेम वैसा इफेक्ट ये बनता हुआ मुझे अब दिख रहा है। ठीक है, अब आ रही है टेक्स्ट ऐड करने की। तो इस टाइप के बैनर जब आप बनाते हो तो टेक्स्ट का रोल बहुत ज्यादा कम रखो, क्योंकि टेक्स्ट आपके इमेज पे हावी ना हो जाए और ऐसा इमेज का जो इफेक्ट आपने बनाया जो क्लीन और स्मूथ और बहुत सारी बहुत ही सिंपल लग रही है वो चीजें खत्म ना हो जाए, इसलिए मैं टेक्स्ट का साइज बहुत छोटा छोटा रखने वाला हूँ।
तो सबसे पहले टेक्स्ट को मैं वर्टिकल यहां पे चूज करूंगा और मैं यहां पे सिंपली लिखूंगा विराट। ठीक है, टेक्स्ट यहां पे जो है मैं फॉन्ट एडम फॉन्ट यूज करने वाला हूं और इसका मुझे थोड़ा सा इसका इंक्रीज करना है बीच का गैप, ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है। इसका मैं कलर वाइट कर देता हूँ सिंपली और कोहली को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। कोहली सिंपली ये इस टाइप का ये बन गया। ठीक है, विराट कोहली देखने में काफी कूल लग रहा है। अब मैं यहाँ पे दूसरा लाइन ऐड करने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है द रन मशीन। ठीक है, और मैं यहाँ पे गया नॉर्मल टेक्स्ट में लिया और यहाँ पे ऐड कर दिया द रन मशीन। इसको मैं सबसे टॉप पे लेके जाऊँगा, ये देखने में थोड़ा ठीक लगे। और इसका साइज मैं थोड़ा छोटा कर दूंगा, इतना कि इतना छोटा कि पढ़ने सिर्फ पढ़ने में आए, ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे डिज़ाइन जैसा लगे। और मैं इसको यहाँ बीच में मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ और मुझे लगता है कि इसका साइज भी मुझे थोड़ा छोटा करना चाहिए और इसका साइज भी मुझे लगता है कि थोड़ा छोटा करना चाहिए। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हो हमने सिर्फ दो टेक्स्ट यूज किया और उसके बाद ये पिक्चर काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। अब यहाँ पे आप डिटेलिंग देख सकते हो, डिटेलिंग काफी कूल है और इसके नीचे का कॉन्सेप्ट आप देख सकते हो, अभी पूरा का पूरा आपको स्पोर्ट्स बैनर वाला लुक आपको दे रहा है। ठीक है, ये जो ब्रश का सेट है इसमें बहुत सारे ब्रशेज हैं, आप इसके चाहो तो और भी ब्रशेज ऐड कर सकते हो, आपको सिंपली एक न्यू लेयर लेना है और डिफरेंट डिफरेंट ब्रशेज का सेट है आप इस टाइप का है तो आप इसको सिंपली ब्रश का साइज इंक्रीज करो और एक और ब्रश यहाँ पर डाल सकते हो। अब अगर आपको कलर चेंज करना है तो ब्रश का कलर चेंज करके भी आप यहाँ पे चीज़ें डाल सकते हो, अगर ब्लू में कर रहा हूँ तो ब्लू भी यहाँ पे आप इस टाइप की चीज़ें भी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आपके पास अब ब्रश का पूरा सेट है, आप डाउनलोड कर लेना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और आप डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में आप इसको क्रिएट कर सकते हो। ये देखो आप कितना कूल लग रहा देखने में, अगर मैं यहाँ ब्लैक लूँ तो भी ये काफ़ी कूल लग रहा देखने में, तो कितना कूल लग रहा है देखने में, अमेजिंग लग रहा है यार, अमेजिंग लग रहा है देखने में। अब और जितना ज़्यादा आप इसमें जितना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट आप इसमें यूज़ करोगे ये देखने में उतना कूल लगेगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा और कुछ लोग बहुत दिन से परेशान थे कि इस टाइप की स्किन कैसे एडिट करते हैं, उसको भी अब सॉल्यूशन मिल गया है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू सो मच।